दोस्तों, अगर आप भी अपने बाल के झड़ने से परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए बात करने वाले हैं आज। और साथ ही साथ बालों की केयर कैसी करनी चाहिए, बालों में किस तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके साथ साथ बालों को हमें मेंटेन कैसे करना चाहिए, शैम्पू कब करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, बालों के लिए जरूरी प्रोटीन होता है उसका कब इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहना। मेरा नाम डॉक्टर अफरोज है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DMA हेल्दी लाइफ। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत तेजी से गिरने लगे हैं और साथ ही साथ बालों की ग्रोथ रुक गई है, तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड डी और साथ ही साथ विटामिन ई के साथ साथ हमें आयरन और फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके इस्तेमाल करने से बालों को तेजी से बढ़ाया भी जा सकता है और टूटने से भी रोका जा सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ बालों का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए हमें अपना हेड मसाज कराते रहना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे हेयर स्टाइल से बचना चाहिए जिसमें बाल खिंचते और टूटते हैं। तो दोस्तों, बालों का सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए हेयर मसाज कराना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, मेथी भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसके अंदर फोलिक एसिड और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के भी पाया जाता है, जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, मेथी का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए। मेथी का इस्तेमाल हमें रात को इसको भिगोकर रख देना चाहिए, उसको भिगोकर उसका निकाल के भी उसका पेस्ट बनाना। उस पेस्ट के अंदर दोस्तों, एक चम्मच नारियल के तेल के साथ साथ 2 चम्मच हिबिकस पाउडर मिला के उसका पेस्ट बालों में लगा सकते हैं, जिससे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे और टूटने भी बंद हो जाएंगे। दोस्तों, रोजाना बालों को धोने की आदत भी गलत है, जिससे बाल बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, रोजाना बाल धोने की आदत को भी बदलें क्योंकि इससे बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं। दोस्तों, हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं, तो इसको रोकने के लिए हमें आंवला, रीठा और शिकाकाय का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट आंवला, शिकाकाय और रीठा को ही माना गया। तो दोस्तों, हेयर फॉल का ये रामबाण इलाज है, तो इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। दोस्तों, बालों का प्रोटीन पूरा करने के लिए हमें डेयरी फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अंदर एग्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए या फिर मीट का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कुछ ऐसी डाइट हमें लेनी चाहिए जिससे प्रोटीन हमारा बहुत तेजी से बढ़ने लगे। तो दोस्तों, प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए हमको डेयरी फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ लाइफ स्टाइल में हमें चेंजेस करनी है बालों के लिए, तो हमें क्या है कि कभी भी गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए दोस्तों, इससे भी बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है। और दोस्तों, शैम्पू करने से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे पहले जो हम रेगुलर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उसको लगाना चाहिए, उसके बाद शैम्पू करना चाहिए। तो दोस्तों, ये अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।